ये आप सबको देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही होगी, क्योंकि ये खाने में भी टेस्टी बनी थी और आप इसकी ग्रेवी का कलर भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो आज हम लोग जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसकी विधि जानने के लिए आपको इसे पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए हम लोग आज की डिश बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज हम बनाएंगे ककोड़े और आलू की सब्जी। तो ककोड़ा को आप खिसका के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है ककोड़ा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसे एक बार वॉश कर चुके हैं। अब इसे हम लोग कर लेते हैं कट, और कट करके इसे फिर से वॉश करेंगे। तो आगे और पीछे का भाग कुछ इस तरह से निकालेंगे और फिर इसे छील लेंगे। तो ये जो ककोड़ा होता है ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत लोगों को ये नहीं पसंद आता है, लेकिन अगर आप एक बार हमारे तरीके से बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसे छील लिया है, इसे हम लोग वॉश करेंगे और उसके बाद कट करेंगे। अगर वॉश करने के बाद इसे हम लोग कट करेंगे तो इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, पर पहले कट कर लेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चल जाएगा और तेल में फ्राई करते समय जो हम लोग फ्राई करेंगे तो उसके से छिट्टा पड़ेगा तेल का बहुत ज़्यादा। और हमने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 आलू, इसे हमने बॉयल कर लिए हैं। तो बस यहाँ पे हमने इसे वॉश कर लिया, आप चलिए इसे कट कर लेते हैं। आपको जैसे कट करना है इसे कट कीजिए, पर हमने यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से कट किया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसे हमने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। और कट करने के बाद हम लोग इसे रख लेते हैं साइड, और कुछ इस तरह से हम लोग आलू को भी कुछ बड़े बड़े पीसेस में कर लेते हैं कट। तो ये देखिए बस ऐसे 4 पीस में हम लोग आलू को कट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है एक कढ़ाई, और इस पर हम लोग ऐड कर देते हैं 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को ऐड करने के बाद हम लोग गरम कर लेते हैं, और जब गरम हो जाए तो इसमें ककोड़ा डाल के फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और आपको ककोड़ा को बस हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, और उसके बाद हम लोग इसे निकाल लेते हैं, और इसे निकालने के बाद इसी में हम लोग आलू को डाल के भी फ्राई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ककोड़ा को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई मत कर दीजिएगा वरना एकदम जल जाएगा और आपकी जो सब्ज़ी है वो शुरू से ही अच्छी नहीं बनेगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेते हैं फ्राई, और यहाँ पर ये भी फ्राई हो गए हैं तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने आलू और ककोड़ा दोनों को ही फ्राई कर लिया है। तो ये जो तेल है इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे तेल थोड़ा सा निकाल लिया है, और कढ़ाई में बस आपको 2 से 3 चम्मच तेल ही रहने देना है, और जितना तेल है उतना आप निकाल दीजिए। पर अगर आपने कम तेल लिया था तो आप इसमें और तेल ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने तेल निकाल लिया है, और तेल हमारा गर्म ही, इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। सबसे पहले कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हम लोग इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी दाना, दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 लाल खड़ी मिर्च। तो ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 1/2 चम्मच सरसों। तो सरसों को ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच। तो आपको मेथी की क्वांटिटी एकदम कम रखनी है, क्योंकि मेथी जो होती है बहुत कड़वी होती है, और अगर ज़्यादा मेथी ऐड कर देंगे तो जो सब्ज़ी वो हमारी कड़वी हो जाएगी। तो अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के हम लोग इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च को ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 1 प्याज बारीक कट कर लिया है, और अब हम लोग इसे कर लेते हैं मिक्स। तो कुछ इस तरह से इसे मिक्स करेंगे, और अब हम लोग इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं, जिससे जो प्याज है उसका कलर चेंज हो जाए और जो प्याज है हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो प्याज है हमने अच्छे तरीके से भून ली है। अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिया जिसके हमने पेस्ट बना लिया है, आप चाहे तो छोटे छोटे काट के भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे पेस्ट बनाएंगे। तो हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम थिक बन के तैयार होगी।
तो इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं मसाले, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक का इस्तेमाल अभी तक हमने एकदम नहीं किया था, तो अभी हम लोग एकदम स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक जो मसाले हैं हमारे तेल न छोड़ने लगे और जो टमाटर है हमारा अच्छे तरीके से मिल ना जाए। तो इसके लिए हम लोग इसे ढक देते हैं और पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगा है। तो अब हम लोग इसे फिर से कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं आलू और ककोड़ा, और इसे ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से एकदम मिलाइएगा जिससे जो मसाला है वो अच्छे तरीके से आलू और ककोड़े के ऊपर कवर हो जाए। तो मिक्स करने के बाद हम लोग इसे ढक देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और कुछ ही देर बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से लग गया रहा है कि ये पक चुका है। तो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला, और गरम मसाला ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर, और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे गरम पानी। तो आपको इसमें गरम पानी का इस्तेमाल करना है, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, और सब्ज़ी में जब भी आप बनाएं तो गरम पानी ही ऐड कीजिएगा। तो इसे पहले हम लोग ढक के थोड़ा पका लेते हैं और फिर इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो गर्म मसाला है वो अच्छे से पक जाए ये सब्ज़ी के साथ। और बस 2 मिनट के लिए आपको इसे ढकना है, फिर इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है। तो देखिए गर्म पानी जैसे हम लोगों ने डाला वैसे इसका जो टेम्परेचर है वो कम नहीं हुआ, बल्कि वो एकदम वैसा का वैसा रहा और थोड़ा बढ़ गया। इसीलिए जो पानी है वो डालते वक्त उसमें थोड़े उबाल आने लगे। तो बस इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं और इसे फिर से ढक देते हैं, जिससे जो हमारा पानी है वो अच्छे तरीके से मसाले के साथ पक जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया है, और यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी ये ककोड़े और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो आखिरी में हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश धनिया के पत्ते, और धनिया के पत्ते ऐड करने के बाद हम लोग इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमने ये टेस्टी आलू ककोड़े की सब्ज़ी को गर्मा गर्म साफ कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे कि रोटी, पराठा, चावल, पूड़ी, किसी के साथ भी खाएंगे आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार ये टेस्टी ककोड़े की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए हमारा चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आज से वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।